ब्रेक्जिट डील को लेकर प्रधानमंत्री थेरेसा मे को ब्रिटेन की संसद से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को ब्रिटिश सांसदों ने तीसरी बार समझौते को खारिज किया। समझौते के पक्ष में जहां 286 वोट पड़े तो वहीं विरोध में 344 वोट पड़े। ब्रेक्सिट डील को लेकर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे को तीसरी बार संसद से हार का सामना करना पड़ा है। शुक्रवार को ब्रिटिश सांसदों ने एक बार फिर उनके ब्रेक्सिट समझौते को 286 के बदले 344 वोटों से खारिज कर दिया। ब्रेक्सिट समझौते के तीसरी बार संसद से खारिज होने के बाद अब ब्रिटेन के 12 अप्रैल को बिना किसी समझौते के यूरोपीय संघ से अलग होने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन अगर ब्रिटेन ऐसा नहीं चाहता है तो उसे 12 अप्रैल तक यूरोपीय संघ से ब्रेक्सिट प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपील करनी पड़ेगी। अगर वो ब्रेक्सिट प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अपील करता है तो यूरोपीय संघ ब्रेक्सिट प्रक्रिया को एक लंबे समय यानी करीब 2 साल के लिए आगे बढ़ा देगा। उधर प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी लेबर पार्टी ने प्रधानमंत्री थेरेसा मे के इस्तीफे की और चुनाव कराने की मांग की है। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने ब्रेक्सिट डील पर अपना आखिरी दांव चलते हुए कहा था कि अगर ब्रिटिश संसद उनके ब्रेक्सिट समझौते को पास कर देती है तो वे अपना पद छोड़ने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।